जैसा मैंने आपको बताया कि कई अमेंडमेंट मूव किए गए, 7 सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में अमेंडमेंट मूव किए हैं। क्या मांग है उन अमेंडमेंट में? एक, ये तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, और दूसरा कि इसके अंदर ओबीसी आरक्षण दिया जाए। ये सारी बातें कल तक तो नहीं थी ऋतु जी, कल जब लोकसभा में इस पर मतदान हुआ था, और ना आपकी किसी सांसद ने वहां पर इस पर अमेंडमेंट की मांग की थी, राज्यसभा में क्या बदल गया? देखिए, शुरू से ही इस बिल के बारे में ये बात कही जा रही है कि जो है ओबीसी रिजर्वेशन लाना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि ओबीसी की जनसंख्या जो है भारत में बहुत बहुल है, करीबन 52% के आसपास है। उसके बाद लेकिन ओबीसी जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व कितना है, वो राहुल गांधी जी ने कल जो है पार्लियामेंट में आपको एक छोटा सा उदाहरण देके ब्रीफ किया था कि जो सरकार में है 90 जो है सचिव हैं, जिनमें से केवल 3 जो है वो ओबीसी सचिव है, और 2019 तक वो भी नहीं थे। इसी प्रकार से किसी भी, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप मीडिया ले लीजिए, मुझे बताइए कितने एंकर जो है वो ओबीसी एससी एसटी है, बता दीजिए। आप जुडिशियरी में बताइए, ऐसा कोई सेंसस नहीं कराया ऋतु जी कि मुझे पता हो कि कितने ओबीसी हैं एंकर। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये चिंताएं एक तो 2010 में नहीं थे जब आप ओरिजिनल बिल लाए थे, और कल तक भी नहीं थी। कल आपके कौन से सांसद ने लोकसभा में इस बात के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा कि इस पर ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए? सोनिया जी ने बात कही, क्या सोनिया गांधी जी ने इस पर अमेंडमेंट मूव किया, राहुल जी ने अमेंडमेंट मूव किया, आज क्या बदल गया? मैं ये केवल इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हम हमेशा से ही ओबीसी रिजर्वेशन की मांग करते रहे हैं। 2010 में नहीं की थी आपने? नहीं, हमने जो है बिल पेश किया था, लेकिन उसमें जो है हमारा जो कास्ट सेंसस हमने कराया था वो इसी मकसद से कराया था कि उसके अनुसार जो है उसमें बदलाव लाया जा सके, और ऐसी हमारी मंशा रही है हमेशा से कि एससी एसटी ओबीसी को ऊपर उत्थान देना चाहिए, जितना उनका हक है, जितनी आबादी है उतना उनका हक मिलना चाहिए। ऐसी कांग्रेस की हमेशा से ऐसी मंशा रही है, लेकिन भाजपा की मंशा में शक लगता है, भाजपा की नीयत में शक लगता है, इसलिए बार बार इस चीज को डिनाई किया जा रहा है। आप बताइए कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस बात पे चर्चा क्यों ना हो कि जिस जनसंख्या का जो इतनी बड़े स्तर पर है कि जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है सबसे ज्यादा, उसका जो परसेंटेज इतना ज्यादा है, तो उस पर बात क्यों ना हो? मैं कह रहा हूँ बात बिल्कुल कीजिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर, और आप देश की राष्ट्रीय पार्टी है, स्टैंड तो एक होना चाहिए पार्टी का। सोनिया गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड बयान 2010 के आपके राज्यसभा के बिल पर है, ये दल जो आज विरोध कर रहे हैं, इन्हें कौन रोक रहा है कि ये 33% महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को टिकट दे दे? उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, आपके बिल में ओबीसी आरक्षण के लिए एक लाइन नहीं थी, आपके साथी इसका विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद आपने इसके अंदर 2010 के बिल के अंदर ओबीसी का आरक्षण आपने नहीं रखा था। बहरहाल, मैं फिर अभी आज की बात पर आता हूँ। एक बार अनुराग भदौरिया साहब, मनोज झा कह रहे हैं सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, आपकी पार्टी विरोध करने वाले दलों में से थी 2010 के अंदर, आपने इसका समर्थन किया, डिंपल जी ने इसका समर्थन किया है कल लोकसभा के अंदर, आज मनोज झा कह रहे हैं व्हिप की चिंता मत कीजिए, कमेटी को भेजिए, इसको पास मत होने दीजिए, भूमिका बदलने वाली तो नहीं है आपका आपकी पार्टी की? नहीं, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि क्या उनकी मनसा तो नहीं बदल रही है। 2014 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम आएंगे तो महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, लेकिन आप 9.5 साल तक क्यों चुपचाप बैठे रहे? इसलिए बैठे रहे कि आपको इस बात का अब एहसास हो चुका है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको अब जनता, देश की जनता ने अपना लिया है, क्योंकि वो राष्ट्र के मुद्दों पे है, महिलाओं की समस्या के साथ खड़ी है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हुई थी तो आपने देखा, हम ही लोग खड़े थे उनके साथ, कहां थी सरकार 70 दिन तक तो इनका कुछ पता ही नहीं चला। और जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, हमारी देश की राष्ट्रपति जी एक महिला हैं, आपने बुलाया? नहीं बुलाया। पार्लियामेंट का पहला दिन था, पार्लियामेंट में क्या बुला सकते थे महिला जो हमारी राष्ट्रपति जी थी? नहीं बुलाया। उन्हीं से 500 मीटर दूर पे हमारे देश की जो महिला पहलवान थी वो अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, उसी दिन उनको खींचा गया रोड पे। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई मंत्री उनसे मिलने गया, उनकी मदद की? नहीं की। सवाल यह है कि हम तो ये कहते हैं कि जो आबादी है देश के अंदर में, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, एससी एसटी है, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या, जो ओबीसी की संख्या करीब करीब 52-53% इस देश के अंदर है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भी आगे लाने की लोकसभा की तरह राज्यसभा में इसका साथ देंगे, इसका विरोध करेंगे। हम तो महिला बिल के साथ हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत साफ करे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमारे यहाँ देखिए, हमने तो ओबीसी इतने बड़े बड़े नेता बनाए हैं। मैं कह रहा हूँ आपके नेता से नहीं बात हो रही है, बात हो रही है ओबीसी महिला की।
तो मैं कहता हूँ क्या आप इतना लंबा ओबीसी आप बताते हैं, आपने प्रधानमंत्री दिए हैं तो बताइए क्या ओबीसी महिला प्रधानमंत्री देंगे 2024 में? आप अनाउंस करेंगे इस बात के लिए? आप बार बार इस बात को कह रहे हो कि हमने ओबीसी इतने दिए, ओबीसी महिला की बात हो रही है, क्योंकि ओबीसी की जो महिलाएं जो पीछे हैं उनको आगे ले जाने की बात हो रही है। आपकी पार्टी अध्यक्ष बनाएगी ओबीसी महिला को? अरे हम लोग तो हमेशा ही सम्मान करने वाले लोग हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, नहीं आने वाली है, सम्मान करने वाले लोग हैं। 2024 में ओबीसी महिला प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी? कमाल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए क्या महिला सम्मान के लिए वो ऐसा करेंगी, तो उसके बारे में जवाब धीरेन्द्र जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।